आउटफिट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मिलिटेंसी जो जहां पर चलती थी उसका लगभग सफाया हो गया। उसमें कोई लीडरशिप नहीं है, चाहे लश्कर चाहे हिजब चाहे जैश की बात करें। अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं, उन एजेंसीज के साथ काम करते जहां के गदार जो जहां से बात की पाकिस्तान में बैठे कुछ वो करते हैं, वहां पर बैठे उनके कुछ टट्टू जो पाकिस्तानी मूल के हैं पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो करते हैं। सबके ऊपर नजर है, सबका डाटा बनाया जा रहा है, सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है। अभी इस एरिया का भी एक केस डोडा जिले ने पुलिस ने तफ्तीश करके चलान किया जिसमें तीन लोग जो जहां के गदार हैं लोगों के साथ गदारी करके पाकिस्तान में बैठे हैं वहां से मिलिटेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलान पेश किया गया है। ऐसे ही चलान दर्जनों की तादाद में जम्मू की पूरी डिवीजन में और कश्मीर की डिवीजन में जो है वो पेश किए गए हैं। 400 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो यहां से भाग के पार गए हैं, किसी ना किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ वहां बैठ के वाबस्ता है, उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप सुनते होंगे कि कभी SIA की रेड, कभी SIU की रेड, कभी किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, ये सब तरह के काम उन हैंडलर्स के खिलाफ उनका गला दबोचने के लिए, उनके जहां बैठे जो उनके वेलविशर हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं उनके जो उनको 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 जो काबू में करने के लिए उनको उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये जो गदार 119 यहां के वहां बैठे हैं उनके खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वो गदार न सिर्फ पुलिस के खातों में गदार हैं बल्कि वो लोगों के खाते में भी गदार हैं, और उन गदार जो हैं उनकी साजिशें जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सब ने मिलकर के डिफीट करनी है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो खालिस्तानी फोर्स पूरे इंडिया में एक तरह से क्रैकडाउन उन पे है तो जम्मू कश्मीर कैसे देखे, क्योंकि जो एफिनिटी है पंजाब के साथ बॉर्डर सटा हुआ तो यहाँ पे किस तरीके देखिए पंजाब की मिलिटेंसी जब चल रही थी तो उस मिलिटेंसी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके पंजाब की मिलिटेंसी के साथ भी प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड थे। पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई बल्कि उसके साथ साथ ही शुरू हो गई, और दोनों जगह मिलिटेंसी की माँ एक है। चोर दो हैं मगर दोनों चोरों की माँ एक है, दहशतगर्द दो जगह पे पर दोनों की माँ एक है, और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। हम लोग दोनों तरफ ख्याल रख रहे हैं, पंजाब की मिलिटेंसी का जहां पर कोई खासा असर किस तरह का नजर नहीं आता है,